नमस्ते इंडिया। आजकल के लाइफस्टाइल और जो खान पान है वो मतलब इतना बदल गया है। लोग इतने फास्ट फूड और जंक फूड पे डिपेंड हो गए हैं कि उनके बाल जो है वो समय से पहले वाइट होने लग गए हैं। लगभग 10 में से 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिनकी कम उम्र में ही बाल जो है वो सफ़ेद होने लग गए हैं। हालांकि आज इस वीडियो में हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं, इसके बारे में हम दूसरी बार फिर कभी बात करेंगे। मगर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके वाइट हो गए बालों को आप ब्लैक कैसे बना सकते हो। देखिए, वैसे तो बालों को डाई करने के लिए यानी कि काला करने के लिए डाई का इस्तेमाल किया जाता है या तो फिर कोई भी केमिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। मगर ये डाई जो होती है वो आपके बालों को काला करने के बजाय आपके सिर को काला कर देती है, और फिर उसको निकालने के लिए भी फिर आपको और केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप बार बार पार्लर में जाके बालों को डाई करवाओगे तो आपकी जेब पर भी इतना ही फर्क पड़ेगा। तो इसलिए आज हम ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में बात करेंगे जिसको इस्तेमाल करके आप अपने वाइट बालों को काला आप कैसे कर सकते हो, जो कि टोटली हम नेचुरल तरीके के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें कोई केमिकल का यूज़ नहीं है, तो आपको घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। नारियल तेल जो है वो बालों को काला रखने में नेचुरली मदद करता है। देखिए, आप जब भी बालों में तेल लगाते हो यानी कि नारियल तेल लगाते हो तो इसके अंदर आपको बस थोड़ा सा नींबू का रस मिला लेना है। इसको आप जब भी अपने सर पे लगाओ तो उससे पहले हल्का सा गर्म कर लीजिए। फिर आप अपने बालों में 1 से 2 घंटे तक इसको लगा कर रहने दें, फिर आप अपने बालों को शैम्पू कर सकते हो। ये नुस्खा जो है वो आप हर बार यूज़ कर सकते हो जब भी आप बाल धोने वाले हो। इससे बाल जो है वो नेचुरली काले बने रहते हैं। आपके बाल जो है वो लंबे समय तक काले बनाए रखने में ये मदद करता है। देखिए, वैसे तो बालों में मेहंदी भी लगाई जा सकती है, मगर मेहंदी जो है वो काले बाल करने के बजाय बाल जो है वो लाल बना देती है। अगर इसका सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो आप मेहंदी की मदद से आप अपने बालों को काला भी बना सकते हो। देखिए, ये मेहंदी जो पैकेट में आती है जो कि पाउडर फॉर्म में होती है, इस पाउडर के अंदर आपको काली चाय मिला लेनी है या तो फिर आप कॉफ़ी का पानी भी डाल सकते हो। इसको अच्छे से पेस्ट बनाकर अपने बालों में आप 1 घंटे तक या तो फिर आधे घंटे तक आप रहने दे सकते हो। इससे मेहंदी से आपके बाल जो है वो बहुत ही डार्क हो सकते हैं। अगर इसके दूसरे नुस्खों के बारे में हम बात करें तो आप काली चाय का भी इस्तेमाल कर सकते हो। काली चाय बनाकर आप इससे भी अपने बालों पर लगाए रखने दे सकते हो। 1 से 2 घंटे तक अपने बालों पर लगाए रहने दे सकते हो, या तो फिर जो पीली मेथी के दाने होते हैं उसको पीस कर भी आप उसका पेस्ट भी लगा सकते हो। देखिए, वैसे तो करी पत्ते का इस्तेमाल भी काले बालों के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है। करी पत्ते में भी आपके बालों को काले बनाए रखने के गुण होते हैं। इसके इस्तेमाल के लिए आपको क्या चाहिए, 2 चम्मच आंवला का पाउडर लेना है कटोरी में, और 2 चम्मच आपको ब्रह्माणी लेना है उसका पाउडर, और फिर आपको करी पत्ते को अच्छे से पीस के उसका पेस्ट बनाकर इससे इन दोनों पाउडर और करी पत्ते का पेस्ट, इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और इसको हल्का सा पेस्ट जैसा बनाने के लिए आपको थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। फिर इसको भी आप 1 घंटे तक लगाए रखने दे सकते हो। इससे भी आपके बाल जो है वो नेचुरली काले हो सकते हैं।